अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस, दिस इज़ गुले ज़ारा एंड यू आर वाचिंग गुल्स कुकिंग। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो हमारी बहुत सी रेसिपीज़ को जो है वो कवर करेगी। जी, आज मैं जो है मैं टिक्का मसाला बनाने लगी हूँ कि किस तरह से हम टिक्का मसाला बना सकते हैं। टिक्का मसाला यानी तंदूरी मसाला भी कह सकते हैं इसे आप। जी, तो उसके लिए मुझे जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, मैंने यहाँ पे जो है वो हल्दी पाउडर लिया है जो कि 1 टेबल स्पून है, भर के लिया है मैंने 1 टेबल स्पून। और यहाँ पे जो मिर्च जो रेड चिली पाउडर है ये मैंने अगर ग्राम्स में बताऊँ तो 50 ग्राम बनता है, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट जो है हम इसको 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर शामिल किए हैं भर के। और यहाँ पे जो है मैंने ये ली हुई है जायफल ली हुई है, ये देखें ये ज़्यादा बड़ी नहीं है, दरमियानी है, ये 2 मैंने ली हुई हैं। और कुछ जो है मैंने यहाँ पे जो बड़ी इलायची है, ठीक है, ये मैंने ली हुई है तकरीबन 5 से 6 पीस जो है ना इसके पीस लिए हैं। और एक मैंने बादियान का फूल लिया, ये आपने ज़्यादा यूज़ नहीं करना, इसकी बहुत ज़्यादा खुशबू होती है, इसलिए ये मैं एक ही यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे जो है वो 1 टेबल स्पून मैंने ब्लैक पेपर ली हुई है, साबित है ये। और जो है वाइट पेपर भी मैंने ली हुई है, ये भी 1 टेबल स्पून भर के लिए। 2 टेबल स्पून के करीब ही मैंने यहाँ पे क्यूमिन सीड लिए हुए हैं, जैसे ज़ीरा कहते हैं, ज़ीरा लिया हुआ है 2 टेबल स्पून भर के। और ये जावित्री है, ये देखें ये इतनी सी ली है मैंने, ज़्यादा नहीं ली। और ये भी जो मैंने यहाँ पे लौंगे ली हुई हैं तकरीबन 8 से 10 लौंग मैंने ली हुई हैं, तकरीबन 8 या 10 लौंग आप इसके अंदर जो है वो शामिल कर सकते हैं। और ये मैंने जो है वो दालचीनी के पीस लिए हैं, मोटी वाली है, ये 2 मैंने ली हैं। ये यहाँ पे मैंने जो है वो 1 टीस्पून तो मैंने टाटरी ली है। और 1 टेबल स्पून भर के मैंने यहाँ पर नमक लिया। और ये वाला जो नमक है ये काला नमक है, ये 1 टीस्पून है मैंने, 1 टीस्पून ही मैंने जो है वो जिंजर लिया पाउडर लिया, और 1 टीस्पून ही मैंने गार्लिक पाउडर लिया। और 2 जो है मैंने भड़ी वाली ये कश्मीरी लाल मिर्च है, मिल जाती है मार्केट से, तो ये मैंने ली है। तो ये मैंने, ये बेसिकली जो है वे कड़वी नहीं होती है, इसका मकसद ये होता है कि ये ज़रा कलर है उसको ज़रा खूबसूरत सा कर देती है। और यहाँ पर मैंने ज़्यादा रंग लिया हुआ है, येलो फूड कलर लिया है, वो भी हम कलर के तौर पर यूज़ करेंगे कि इससे यह है कि ज़रा रोस्ट का जो कलर होता है वो खूबसूरत सा आ जाता है। जी, अब मैं बाकी पोर्शन सेपरेट कर देती हूँ। ये वाला जो पोर्शन है ना, इसे मैंने रोस्ट करना है। रोस्ट करने का मकसद ये है कि थोड़े से क्रंची हो जाएंगे और यह है कि पाउडर फॉर्म में हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो बाकी वाला जो है वो फिर हम बाद में इसके अंदर ऐड करेंगे, अभी ये वाला जो जो इन्ग्रीडियंट्स है इन्हें मैं रोस्ट करूँगी। जी, तो यहाँ पे जो है वो सभी मसाले जो है वो रोस्ट हो गए हैं, अब मैं इन्हें ग्राइंड कर लूँगी। इन सबको मैं इकट्ठा ग्राइंड करूँगी और साथ में ये वाइट पेपर और ब्लैक पेपर भी ऐड कर दूँगी। ये तो मसाला जो है वो अच्छी तरह से ग्राइंड हो गए। अब ये कश्मीरी लाल मिर्च है ये भी डाल दूँगी मैं, इन्हें भी ग्राइंड कर लेती हूँ बनाए हुए। इसे हम जो है वो छान लेंगे अच्छी तरह से। ये मसाला हमने अच्छी तरह से छान लिए, अब हम सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर लेते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च मिक्स कर रही हूँ। जी, तो ज़बरदस्त है जो है वो हमारा तंदूरी मसाला रेडी है। और ये 3 किलो कम से कम जो मुर्गी है उसके लिए यूज़ हो सकता है। नमक आप जो है वो चेक कर लीजिएगा, अगर नमक की ज़रूरत पड़ेगी तो। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और साथ में सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँचती रहें। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर किस्म की बीमारी और दुख से दूर रखे। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। आप मुझे फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।